हाँ, आज भी हम लोग पिछला क्लास से हाँ स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग डोमेन निकालना सीखें। आपने को पता है कि कैसे कैसे डोमेन निकाला जाता है वगैरह। हाँ, जितना बाकी थ्योरिटिकल पढ़े थे वो सब ज़्यादा कुछ काम आने वाला नहीं है। बस ये सब पॉलिनोमियल वगैरह ये सब सिर्फ टर्म पहचानने आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। अब देखिए, फाइंड द डोमेन। हाँ, चार क्वेश्चन दे रखा है जिसमें पहला बनाते हैं हम लोग। क्या दे रखा है? पहला आपको हम बोले थे कि दो फंक्शन आपको सिखाए थे, f(x) + g(x) ने कैसे किए थे। आपको याद होगा कि f(x) का भी डोमेन निकाले, g(x) का भी डोमेन निकाले, और इस तरह से कंडीशन लगा दिए थे कि d1 इंटरसेक्शन d2, याद आ रही है? हाँ, तो इंटरसेक्शन का मतलब बता रखे थे कि आपका कॉमन पोर्शन जो आंसर आता है, सब कुछ याद है। अब बोले थे क्या कि कितना भी रहे, 3 रहे 4 रहे 5, इवन आप 10 10 तक आपको बोल रखे थे। तो मतलब देखना यह है कि कहां पे फंक्शन अनडिफाइन हो सकता है। अगर मान के चलिए पहला क्वेश्चन का बात करते हैं तो फंक्शन क्या हो सकता है, ये जो रूट में लिख रखा है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अपने को क्या लिख रखा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको रूट दिख गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा लिए। क्लियर है बात? तो क्या है, 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ ही साथ इसमें भी लगाना पड़ेगा क्या, 3 - x² / x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों लगेगा क्योंकि दोनों के पास जितना भी आपको दिखे कि फंक्शन, हाँ कि जहां जहां पर डिफाइन कर सकते हैं वो सबको डिफाइन कीजिए। इवन कि मान चलिए प्लस में कुछ और करके लिखा हुआ रहता, मान चलिए कि प्लस में ये लिख रखा था, इसे लिखना नहीं है क्वेश्चन को, कि x - 1, तो और लिखाइन कर क्या करते हैं कि x - 1 = not 0, समझ गए? चाहे इवन ये रहता कि √x - 1 रहता था, आप क्या करते हैं कि x - 1 > 0, ये सब कंडीशन लगा लेते, और भी कुछ गिवन रखता। हाँ, सबका एक्स का वैल्यू निकालकर क्या करते हैं, उसका कॉमन पोर्शन क्या ले लेते हैं, अपना आंसर ले लेते हैं। ये बात क्लियर है, हो रहा है अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट है क्लियर? चलिए, तो हम तो फिलहाल यही दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, ये सब तो है नहीं क्वेश्चन का पार्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, मतलब कि एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट -3/2 से क्या हो गया बेटा, इन्फिनिटिव हो गया। ये क्लियर है आपका बात? अच्छा, अब यहां देखिए, अब यहाँ क्या हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है, नेगेटिव के साथ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको पॉजिटिव बनाते हैं, क्या जाएगा x² - 3/(x) < 0, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको देखिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, कि इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, x² - √3² लिख सकते हैं इसको, √3² और ÷ x < 0। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x - √3 और x + √3 / x < 0, ऐसा कर सकते हैं। अब इसको क्या, इसको सॉल्व करने जानते हैं रेशनल इनक्वालिटी को, तो क्या आ जाएगा आपका, सबसे छोटा रूट क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू -√3, इसके बाद इसके लिए रूट क्या आ जाएगा नीचे के लिए 0, और इसके लिए रूट क्या आ जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा ±±। तो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, एक्स का वैल्यू लेस के लिए पूछ रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, x = −∞ से −√3 पर क्लोज ब्रैकेट, समझ गए, −∞ इस पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 0 पे क्लोज ब्रैकेट होगा या ओपन ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि 0 ऐसे तो यहां दे रखा है कंडीशन क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए दिखने के बाद, लेकिन 0 जो रूट है किसका है, नीचे में है, तो साथ ही साथ इसमें यह भी तो डिफाइन होगा कि x = not 0, समझ रहे हैं बात को, तो इसको 0 आंसर नहीं देंगे, 0 से क्या आ जाएगा आपका √3, ये हो गया सेकेंड पोर्शन का आंसर, सेकेंड, समझ गए? तो अपना आंसर क्या होगा, ये दोनों का जो कॉमन आंसर होगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन। देयरफॉर आप तो बोले थे कि अगर सीधा सीधी दिख जाए तब आंसर लिख दो, नहीं पता चलता, गरीब बच्चा के लिए हम दिखा दिए थे कि नंबर लाइन बना लो, सबसे अच्छा वही आदत डाल ले। वैसे भी सिखाए थे कि एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत अगर बहुत सारा कंडीशन लग रहा है तो सबको क्या करते हैं, ये प्लॉट कर लेते हैं कॉमन पोर्शन पे। तो देखिए, सबसे छोटा रूट कौन कौन है, -3/2 √3 सबसे छोटा कौन है, ये -√3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.7 समथिंग होता है, समझ गए? और ये क्या है माइनस, ये तो डेढ़ है, हाँ माइनस वन, ये सबसे छोटा हो जाएगा -√3, इसके बाद -3/2, इसके बाद 0, इसके बाद √3। तो आपका पहला पोर्शन क्या बोल रहा है कि -3/2 से इन्फिनिटिव, पहला पोर्शन है ना -3/2 से इन्फिनिटिव, ले लेते हैं अब क्लोज ब्रैकेट, -3/2 से क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव,
और इसके बाद क्या आ जाएगा, सेकेंड पोर्शन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट थ्री, माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट थ्री पर क्लोज ब्रैकेट यूनियन जीरो पर ओपन ब्रैकेट, जीरो पे ओपन ब्रैकेट और रूट थ्री पे क्या आ जाएगा आपका क्लोज ब्रैकेट, समझ गए। तो आपका कॉमन पोर्शन कहाँ मिला, ये और ये आपका कॉमन पोर्शन मिल गया, ये और ये, देयरफॉर जो एक्स का वैल्यू हो गया वो क्या आ गया आपका जीरो से रूट थ्री, ये आपका क्या हो गया, अच्छा जीरो पे तो क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट होगा ना, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। बात बिल्कुल समझ में आ गई आपको, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए, हाँ कर लेते, नोट कर लो पहले। हाँ अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ गए। अच्छा दूसरा क्वेश्चन जो अंडर रूट लगा हुआ बेटा क्या लग रखा है, नीचे में है, नीचे क्या रूट ऐसे डिफाइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए दोनों में दिखा दिए, बट अवर जो रूट लगा हुआ वो क्या डिनोमिनेटर पार्ट में, तो क्या होगा सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा, क्लियर पूरे तरह से कंसेप्ट है। तो क्या आ जाएगा यहां से लिख लीजिए कि 0.2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 माइनस 125 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम ये लिख सकते हैं कि 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, जिसे आपको दिखाते हैं कि अगर इसको राइट साइड ले जाते हैं, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो नहीं लगेगा ना, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लगेगा ना, अगर इसको राइट साइड ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, दोनों में रिलेशन मिला लेंगे, और 0.2 को लिख सकते हैं 1 बाई 5। तो अब देखेंगे बेस 5 हो गया है, तो क्या करेंगे 1/5 को 5 को ऊपर लेते चले जाएंगे तो -1 आ जाएगा पावर, समझ गए। तो इसको मनी मन समझ जाएगा कि 1/5 हो चुका है, समझ गए। अब 5 के पावर क्या कर लिए हैं, -1 कर लिए हैं और पावर में लगा दिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टू द पावर 3, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा आपने को पता है ये बात कि माइनस माइनस क्या होता है, पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होते ही ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5 ये हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको बताया था कि अगर बेस सेम बेस तो पावर पावर भी ये होगा ग्रेटर है तो ग्रेटर हो जाएगा, कि और किस कंडीशन पर, कि अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, और जैसे है उसी टाइप का इनक्वालिटी भी होगा, अगर बेस बताए थे कि 0 और 1 के बीच में रहता है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, अच्छे से याद है आपको। तो अब क्या आ जाएगा, बेस तो बड़ा है 1 से, तो क्या आ जाएगा कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसका मतलब क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 सॉरी ये लिख लेते हैं माइनस 8 ग्रेटर देन 0, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x लेस देन 0, हाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस 8, हाँ एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 1 लेस देन क्या बन जाएगा 0, तो मतलब कि आंसर क्या आ गया छोटा रूट से बड़ा रूट, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर, क्लियर है। अब देखो इसका आंसर मिलाते हैं, हाँ तीसरा का, तीसरा देखिएगा तीसरा अच्छा से, अच्छा समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा, ये वाला रूट, आप अंदर का रूट नहीं देखो सबसे पहले, और क्या रहना चाहिए कि क्वेश्चन में जितना भी फंक्शन लिख रखा है वो हर एक डिफाइन होना चाहिए, ये बात समझिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए तो क्या करते हैं तीसरा को, सबसे पहले ये वाला रूट दिखाई दे रहा बड़ा वाला, उसके अच्छा बड़ा वाला रूट को देखते हैं क्या ख्याल है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पक्के से, अंदर क्या लिख रखा है उससे कोई मतलब नहीं रहता है, सबसे पहले क्या दिखाओ कि अच्छा रूट है, अंदर में जो लिखना है तू लिख दे, ऊपर रूट दिख जाना चाहिए। तो क्या जाए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा लेते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाने के लिए क्या कर दिए 4 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पक्के से, समझ में आ गया। अच्छा इस क्वेश्चन को लिखने के दरमियान आपको कहीं और भी अनडिफाइंड नजर पड़ रहा है क्या, एक जगह और अनडिफाइंड नजर पड़ रहा है यहां पे, तो ये भी रूट के अंदर है, तो इसके इसके अंदर जो लिख रखा है वो क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, समझ गए बात को, क्या पहले सबसे बड़ा फंक्शन दिखा था ये वाला रूट उसको ग्रेटर देन, इसको करने के दरमियान पता चला अच्छा ये तो एक जगह और अनडिफाइंड हो रहा है तो उसको भी डिफाइन कर लिए, अब दोनों को कॉमन आंसर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अपना रूट निगेटिव मिलने लग रखा है, हाँ तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव बना लेते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 और लेस देन इक्वल टू जीरो,
हो जाएगा। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं तब पर भी इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन इक्वल टू 16, ये इस तरफ आ गया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको भी लिख सकते हैं, हाँ थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं, ये इस तरफ आ गया 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 और x प्लस 5। अभी फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व करें, समझ के बात को, और क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, छोटा रूट से बड़ा रूट, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, समझ गया। सेकेंड तो बहुत आसान है, क्या लिख लेते हैं इसको, x माइनस 3 और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बता रखे थे कि माइनस इन्फिनिटिव से छोटा रूट, माइनस इन्फिनिटिव से छोटा रूट और क्लोज ब्रैकेट के साथ होगा यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटिव। अब दोनों का कॉमन आंसर क्या आएगा वो लिख लेते हैं, रूट क्या क्या आ गया, माइनस फाइव माइनस थ्री और थ्री और फाइव, यानी सबसे छोटा हो जाएगा आपका माइनस फाइव, फिर माइनस थ्री, फिर थ्री और फिर फाइव। तो पहला पोर्शन आपको यही ले लेते हैं, पहला पोर्शन क्या बोल रखा है, माइनस फाइव से फाइव, माइनस फाइव से फाइव, और दूसरा पोर्शन क्या बोल रखा है, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस थ्री, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस थ्री पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन थ्री से इन्फिनिटिव। आपका कॉमन कहाँ मिला, एक कॉमन यहाँ पे आपका मिला और एक कॉमन आपको कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। इसके मतलब जो आंसर आ गया आपका, x बिलोंग्स टू माइनस फाइव से माइनस थ्री यूनियन थ्री से फाइव, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, समझ गए बात को, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से, हाँ। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं लॉग के लिए, तो आपने को पता था कि जो लॉग के नंबर के स्थान पर रहता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, इक्वल टू जीरो नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो रहता है। तो इसके लिए लिखते हैं क्या कि एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट सिक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। अच्छा, क्या इस फंक्शन को लिखने के दरमियान क्या डिफाइन हो गया सब कुछ, नहीं हुआ ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो क्या लगा लेते हैं इस दूसरा कंडीशन, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या बन गया, नहीं अभी नहीं बना, ये भी फंक्शन है, यानी कि इसमें तीन तीन को सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गया बात, ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के साथ, और ये आपका क्या हो रहा था, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एन इज ग्रेटर देन जीरो होता है। तो इसको इस तरफ ले गए, समझ गए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से क्या आ गया आपका, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, इसका मतलब टू का क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव, और यहां से क्या आ जाएगा आपका, एक्स माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, इसके मतलब लेस देन सिक्स, इसके मतलब एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनेटिव से क्या आ जाएगा आपका, रूट सिक्स तक, समझ गए। इसको इसको माइनस लेकर चले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू और आपका ग्रेटर देन माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन सिक्स माइनस एक्स आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इस एक्स को इस तरफ लेते आते हैं, इस टू को इस तरफ लेते चले जाते हैं तो किस आ जाएगा, टू एक्स ग्रेटर देन एट, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन फोर, मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू फोर से इन्फिनेटिव। अच्छा, ये अपने को पता है कि तीनों का क्या होगा, कॉमन रूट, अब कॉमन अपना आंसर होगा, समझ गए। तो बताओ रूट क्या क्या है तीनों का, एक है सिक्स, एक है टू, एक है फोर, यानी सबसे छोटू है टू फोर सिक्स, आपका आ गया टू फोर और सिक्स। तो पहला पोर्शन क्या बोल रहा है कि फोर से इन्फिनेटिव और ओपन ब्रैकेट फोर से इन्फिनेटिव। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, टू से इन्फिनेटिव और क्लोज ब्रैकेट के साथ, टू से इन्फिनेटिव क्लोज ब्रैकेट के साथ। तीसरा क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनेटिव से सिक्स क्लोज ब्रैकेट के साथ, माइनस इन्फिनेटिव से सिक्स क्लोज ब्रैकेट, यहां तो ओपन होगा ना। तो अपना कॉमन आंसर क्या आ गया बेटा, ये अपना कॉमन आंसर है, देखिए तो ये है अपना कॉमन आंसर। तो अपना फोर पे तो क्या है, फोर पे आपका क्या है, ओपन है, तो मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा फोर से सिक्स पे क्या आ जाएगा, क्लोज, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, समझ गए बात को। चलिए स्टार्ट में आगे बढ़ते हैं, हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, इस चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, समझ गए, लॉग का क्वेश्चन है। तो क्या है कि जैसे देखिए कि वन बाई दिस वन बाई दिस वन बाई दिस है ये बात,
अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, बेस ए बेस ए, दोनों में बेस, बी बी और सी सी। अच्छा अगर सब में लॉग है या ये इसमें लॉग नहीं लग रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए टू दी बेस ए वन को। तो आप इसको बड़ा तेजी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लॉग ए टू दी बेस ए, ताकि सब सेम सेम बन जाए, हाँ एक जैसा सब लगे, लॉग बी टू दी बेस ए प्लस लॉग सी टू दी बेस ए प्लस वन बाई, यहाँ पे वन को क्या लिख लेते हैं, लॉग बी टू दी बेस बी, क्योंकि बी भी है सब में, तो लॉग क्या ले लेते हैं, और नंबर ऑफ बेस बराबर हो जाता है इसलिए वन ही होता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लॉग सी बेस बी प्लस लॉग ए बेस बी, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस सी सी ले लेते हैं कि लॉग सी टू दी बेस सी प्लस लॉग ए टू दी बेस सी प्लस लॉग बी टू दी बेस सी, समझ गए। अच्छा अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब बेस बेस सेम है और सब ऐड में है तो क्या लिख लेते हैं, इसको बेस ए और ए बी सी लिख लेते हैं। देखो नंबर नंबर जो सब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है कंसेप्ट आपका। इसी तरह यहां पर क्या आ जाएगा, ये भी ए बी सी बना लेगा, अब बेस में क्या बना लेगा आपका, ए बी सी और बेस बना लेगा बी, प्लस यहां पर भी ए बी सी बन जाएगा और बेस क्या बन जाएगा, सी, ए बी सी बन जाएगा और बेस क्या बन जाएगा, सी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको दिख रहा है सबका नंबर सेम है, अब बेस अलग अलग है। हम लॉग का जब भी कोई चीज कोई भी प्रॉपर्टी लगाते हैं लॉग के लिए, उसमें हम देखते हैं कि बेस आपका सेम सेम है या नहीं है, इसी के लिए लगाते हैं पक्के से कि बेस सेम सेम रहता है, तभी हम क्या करते हैं लॉग का कोई प्रॉपर्टी का वर्क करते हैं। अच्छा नंबर नंबर सेम है तो मतलब अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम बताएंगे कि इस चीज को अगर ऊपर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ बेस को इंटरचेंज कर दीजिए, याद है कि तो क्या इसको ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा कि लॉग ए तो यहां पर आ जाएगा, बेस में ए बी सी बन जाएगा, समझ रहे। इसी तरह क्या चला जाएगा, बी यहां चला जाएगा और बेस में ए बी सी आ जाएगा, इसी तरह सी ऊपर चला जाएगा और ए बी सी नीचे बन जाएगा। अब देखिए सबका बेस सेम हो गया, तो अब क्या है लॉग में अलग अलग ए बी सी है तो यहां क्या आ जाएगा, बेस ए बी सी और यहां भी क्या आ जाएगा, ए बी सी। आंसर क्या आ गया आपका, वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है कि इफ एक एक्सप्रेशन दे रखा है और बोल रहा है फाइंड ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, सी टू द पावर सी। अच्छा ये तीनों क्या है, आपस में बराबर दे रखा है तो किसी ना किसी के बराबर होगा, कोई एक ही टर्म के बराबर होगा अगर तीनों आपस में बराबर है, तो मान लेते हैं वो के बराबर है, समझ गए आप, एक स्टेप लिख करके एक बराबर मानिएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, अब बताइएगा कि लॉग ए बेस टेन इज इक्वल टू के टाइम्स बी माइनस सी, कर लें कर लें। इसी तरह और क्या हो सकता है कि k टाइम्स c माइनस, सॉरी ये लिख लेते हैं, इसके बराबर क्या आ जाएगा, log b बेस 10 इज इक्वल टू के माइनस सी माइनस ए हो जाएगा, समझ में आ रहा बात को। इसी तरह ये क्या आ जाएगा कि log c बेस 10 इज इक्वल टू के टाइम्स a माइनस बी, ये आ जाएगा। अच्छा अब सोचने वाली बात क्या है, हाँ समझिएगा, देखिए अच्छा से हाँ समझना कि जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, a टू दी पावर a, b टू दी पावर b और c टू दी पावर c। अच्छा सोचो a यहाँ है, b यहाँ है और c यहाँ है, यहीं से कोई आंसर आने वाला है। अगर अपना मन से इस तरफ a मल्टीप्लाई कर देता है, हाँ यहाँ पर अपने मन से दोनों तरफ b मल्टीप्लाई कर देता है बैलेंस करने के लिए, तीनों अलग अलग इक्वेशन बन गए, समझ में आ रहा। अच्छा अपने मन से c बैलेंस इस तरफ करते हैं तो अच्छा सोचा कि a को इस तरफ मल्टीप्लाई करते इसके सर के ऊपर आ जाएगा तो a टू दी पावर a बन जाएगा, इस तरफ b से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर b आ जाएगा और इस तरफ c मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर सर के ऊपर c आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। तो क्या करते हैं अपने मन से बैलेंस करने के लिए, क्या करते हैं a को अपने मन से मल्टीप्लाई कर लिए, अपने मन से, समझ गए बात को, इस तरफ अपने मन से b को मल्टीप्लाई किए, अब बैलेंस भी हाँ दोनों तरफ कर ले रहे ना मल्टीप्लाई तो बैलेंस भी है। क्या कर लिए, सी को मल्टीप्लाई कर लिए। अच्छा अब देखिएगा कि अब इसमें क्या करें, जो तीनों इक्वेशन है तीनों को ऐड कर दे, मान चलिए तीन इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट दिस इज सेकेंड और दिस इज थर्ड, समझ नायूस। हाँ देखो यहां अब क्या करते हैं तीनों का ऐड कर लेते हैं तो बेस बेस सेम हो जाएगा तो सब इसके ये सब प्लस हो जाएगा, ये सब इसके सर के ऊपर चला जाएगा, सब आ जाएगा ना ऐड करने पर, तो क्या करते हैं वन
प्लस टू थोड़ा सा पोस्ट करना। क्या करिए तीनों को ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा आपका, इसको ऐड करते हैं क्या जाएगा, इसके सर के ऊपर ले लेंगे तो क्या जाएगा लॉग 10 और ए पर पावर ए आ जाएगा। इसी तरह सब पहले ये लेचेस कर लेते हैं, इसी तरह क्या आ जाएगा लॉग बी टू दी पावर बी और आ जाएगा आपका 10। इसी तरह क्या आ जाएगा लॉग सी पावर सी और लॉग 10 और इस तरफ भी ऐड हो जाएगा। अच्छा देखना इस तरफ केयरफुली ऐड करते हैं क्या कि ये सब ये ऐड होगा, ये ऐड होगा और ये ऐड होगा, इसमें के कॉमन ले लें। चलिए सही है। अच्छा के को कॉमन लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस बी सी माइनस ए बी और यहाँ से क्या आ जाएगा ए सी माइनस बी सी, ये हो जाएगा। तो ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से प्लस ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, यानी कि इस तरफ राइट साइड क्या आ गया जीरो के बराबर आ गया। आई बेस बेस 10 सेम है तो क्या लेते हैं 10 ए टू दी पावर ए बी टू दी पावर बी और सी टू दी पावर सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका जीरो आ गया। इस तरफ ये जीरो आ गया के मल्टीप्लाई समथिंग जीरो तो क्या आ गया ए टू दी पावर ए बी टू दी पावर बी सी टू दी पावर सी 10 का पावर जीरो, तो मतलब आंसर क्या आ गया आपका 1। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। हाँ देखिए इस क्वेश्चन में आप साइमेट्रिक देखिए क्या है कि ऊपर क्या लिख रखा है लॉग एक्स नीचे वाई जेड, यहाँ क्या है जेड, यहाँ नीचे क्या है एक्स वाई, सॉरी दोनों में जेड ही ले लिए, एक वाई यहाँ होगा यहाँ वाई होगा, सॉरी तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स जेड आ जाएगा, समझ गए, और यहाँ पे जेड है तो वाई एक्स आ जाएगा, समझ गए बात को, आपको इसको थोड़ा सुधार लीजिए समझ। तो अब देखिए क्या कि नीचे तो एलसीएम ले नहीं सकते हैं, अब थोड़ा ध्यान देना, हाँ इधर इधर देखना इस तरफ क्या जाएगा, अगर ऊपर नीचे लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे क्या बन जाएगा लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, अगर ऊपर नीचे लॉग वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तब पर भी क्या बन जाएगा लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, अगर ऊपर नीचे जेड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, यानी नीचे फिर एलसीएम ले लेंगे आराम से। तो आप साइमेट्रिक में ये सब थोड़ा सा देखना स्टार्ट कर दें, आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपका पकड़ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा, समझ गए आपको बात को। तो क्या करते हैं ऊपर नीचे इसमें लॉग एक्स इसमें ये, तो आपका क्या बनते चला जाएगा बेटा लॉग एक्स का होल क्यूब बन जाएगा। अच्छा इक्वल टू में कुछ दे रखा है क्या, इज इक्वल टू में 3 दे रखा है, समझ गए बात को, इज इक्वल टू में 3 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा लॉग एक्स का होल क्यूब, इस तरफ क्या बन जाएगा लॉग वाई का होल क्यूब और इस तरफ क्या बन जाएगा लॉग जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स लॉग एक्स इंटू लॉग वाई इंटू लॉग जेड, समझ गए कैसे कर लिए, ये नीचे एलसीएम को राइट साइड लेके चले गए, हाँ ऊपर ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड को रिस्पेक्टिवली ए बी सी मानते हैं, समझ गए, तो आपका क्या बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन आपको हम बता रखे हैं क्वाड्रेटिक में क्या आता है कि अगर ये होता है तो इसके मतलब क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है, समझ के बात को, अगर ये होता है ये समझ गए ना लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड को ए बी सी मान ली तो आपका ये कंडीशन आ गया, और ये कंडीशन जैसी होल्ड करता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होल्ड करता है जीरो, तो इसके मतलब क्या आ गया कि लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो, इसके मतलब लॉग एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, तो कुछ नहीं तो बेस अपने मन से 10 मान लो, समझ गया, तो आंसर क्या आ गया 1। अब ऐसे भी सोच लो कि यहां पर नंबर के स्थान पर क्या रखे कि लॉग का वैल्यू जीरो हो जाए तो 1, देयरफॉर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 1 ही आंसर आ गया अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, समझ गए, इसका ग्राफ भी बताने वाले हैं सब कुछ बताने वाले हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते किसको हैं, आपको लॉग में भी पढ़ा चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं, जो पावर के फॉर्म में लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। पावर के फॉर्म में भी कैसा, जो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहता है वो पावर के फॉर्म में, जैसे आपको बताए थे 25 का क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, हाँ अब वो वेरी करते रहेगा, 5 का पावर एक्स भी अपने आप में क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे क्या बोल रखे कि अब फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या रहना चाहिए, ए का पावर क्या होना चाहिए एक्स, कितना बच्चा जानते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मतलब क्या समझता है ई का पावर एक्स, समझ गया, बिल्कुल सही है समझ गया, बट ये जो बनकर आता है वो ए का पावर एक्स से ही बनकर आता है ई का पावर एक्स, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ए का पावर एक्स को आप ऐसे भी ट्रीट करें कि ई का पावर एक्स भी है, क्यों होता है ये बताते हैं आपको एग्जाम्पल में, आप लिख लीजिएगा सबसे पहले समझिएगा, यहां ध्यान देना कुछ लिखो मत समझो सिर्फ, हाँ टाइम दे देंगे लिखने का। क्या है अब फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स,
जहां क्या रहना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब कि ये छोटा नहीं होना चाहिए, सॉरी ये ए का वैल्यू क्या निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होगा ये भी बताएंगे। ए इक्वल टू नोट वन होना चाहिए, क्यों, अगर ए का वैल्यू अगर वन हो गया तो तुम कुछ भी पावर रेज करते रहो, समझ गए बात, कुछ भी पावर रेज करते रहो क्या रहेगा, वो वन ही आते रहेगा। हाँ, इसलिए वन को डोमेन से क्या कर दिया, हटा दिया गया है। और एक्स का वैल्यू कुछ भी लेता, निगेटिव पॉजिटिव एक्स का वैल्यू चाहे जो लेना है तेरा ले ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहली बात क्लियर, सब दूसरी बात, हाँ अभी आप इस तरफ रफ पेज में सीखेगा जो जो आप कुछ सिखा रहे हैं आपको, समझ गए कि ए का पावर एक्स के मतलब क्या आ गया कि कॉन्स्टेंट, ए अपना क्या बेटा, ए का पावर ए का मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, तो क्या आ गया, कॉन्स्टेंट का पावर क्या आ गया, वेरिएबल। कभी भी अगर इस तरह का ग्राफ आता है कि कॉन्स्टेंट का पावर वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, तो कॉन्स्टेंट जो रहना है हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, समझ गए बात को, कॉन्स्टेंट हमेशा क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, और यहां पे जो हम लोग पढ़ते हैं, अगर पावर के फॉर्म में पढ़िए तो दो तरीका चलता है, कि अगर टू का पावर एक्स लेते हैं, समझ गए, अगर टू का पावर एक्स लेते हैं, एक्स को बढ़ाते जाइए, ये वैल्यू बड़ा तेजी से बढ़ते जाएगा, एक्स भैरी करवो ना, वन टू थ्री फोर फाइव, देख रहा वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा बड़ा तेजी से, जबकि वही अगर वन बाई टू लीजिए इसका एक्स का वैल्यू बढ़ाइए तो घटते चला जाएगा, टू करो वन बाई फोर, थ्री करो वन बाई एट, वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा। तो इसलिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को टू टाइप से पढ़ते हैं, क्या, एक तो क्या होना चाहिए आपका बेस क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा बात क्या होना चाहिए, बेस जीरो और वन के बीच में होना चाहिए, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, इसलिए जीरो और वन के बीच में एक बेस पढ़ेंगे। तो अभी जो बेस का बात कर रहे हैं वो ग्रेटर देन वन का बात कर रहे हैं, जहां पे क्या करेगा, ग्राफ इंक्रीजिंग करेगा, समझ गए बात को। तो क्या रहा, ए टू द पावर कॉन्स्टेंट का पावर क्या हो गया, वेरिएबल। तो इसलिए ए हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। हम चलो इस बात को मानते हैं कि चलो तुम बोला कि ए क्यों पॉजिटिव रखते हैं, इस बात को समझते हैं कि आखिरकार पॉजिटिव ही क्यों रखना है। जैसे हम ले लिए किसी दिन ले लिए कि टू का पावर एक्स, अपना डिफिनेशन के अनुसार तो गलत है, अरे डिफिनेशन के अनुसार गलत है ना, बोले ना कि किसी भी पावर एक्स कुछ भी रहे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहे, इसीलिए एक्स ऑल रियल नंबर लिख रखे हैं। आपका जो ए होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि नीचे जो रहना चाहिए। तो अब बोले कि अगर हम मान चलिए इस पर पावर टू करेंगे, यहां समझना, मान चलो एक्स का पावर क्या किए, टू, तो आ गया यहां पे फोर, एक्स का पावर किए थ्री तो आ गया माइनस एट, एक्स का पावर किए फोर तो आ गया सोलह, एक्स का पावर किए फाइव तो जो भी आ गया माइनस बत्तीस वगैरह जो भी आ रहा, तो आ तो रहा है सही तो है, इसमें गलती क्या है, समझ गया, इसमें गलती क्या है, देखो गलती क्या है, हम क्या बोल रखे थे आपको, समझा भी रखे थे कि अगर एक प्रॉपर्टी भी अगर होल्ड कर गया कि ये गलत है इसके लिए, तो वो पूरे प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, गलत। हम तो बोले तेरा एक्स तेरा मर्जी चाहे जो लगा ले, अगर मान के चलो जब टू थ्री फोर फाइव सिक्स कर रहे थे तो सही आ रहा था, अब बताओ कि माइनस टू का पावर एम एक्स का वैल्यू वन बाई टू ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, अरे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये कल होकर क्या बनेगा, माइनस अंडर रूट टू बन जाएगा, वन बाई टू का मतलब क्या होता है रूट, क्या ये सही बात है, ये तो गलत बात हो गया, तो आपका प्रॉपर्टी क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए नेगेटिव को नहीं लेते। अच्छा, ए टू दी पावर एक्स का बनाने का मतलब क्या हो गया, हाँ कि आपका टू का भी, हाँ ये टू का पावर एक्स का ग्राफ भी यही होगा, थ्री का पावर एक्स भी यही होगा, फोर का पावर एक्स भी यही होगा, पाई का पावर एक्स मतलब 3.1 का फोर का पावर क्या होगा, सब यही एक टू द पावर एक्स ही को रिप्रेजेंट कर रहा, समझ गए। ई का पावर एक्स, ई क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है जो 2.71 के बराबर होता है, जैसे पाई 3.14 के बराबर होता है ना, इसी तरह ये भी 2.71 के क्या होता है, बराबर में जाता है, समझ गए बात को। तो सब इसीलिए ए का पावर एक्स को ई का पावर एक्स भी बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, ये बात क्लियर है, सब एक ही चीज है, क्लियर। चलिए तो अब ग्राफ हम लोग बनाते हैं, समझ गए, ये सब एक ही ग्राफ है, सब एक ही ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, कुछ होगा तो आप नोट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा अपना। अब देखिए क्या हम मान लिए लेट वाई बराबर टू एक्स, हाँ एक्सपोनेंशियल, जहां पर कॉन्स्टेंट का पावर वेरिएबल ए ग्रेटर देन वन बेस को मान रखे हैं, हाँ दो पार्ट में बोले हैं पढ़ेंगे। अब देखिए कि जय एक्स का वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आप डोमेन को बढ़ा रहे हैं, एक्स का वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या होता है, डोमेन का वैल्यू बढ़ाना। तो देख रहे हैं एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो जीरो पर क्या हो जाएगा, देखो एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आएगा टू, एक्स का वैल्यू वन रखेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आएगा टू, एक्स का वैल्यू टू रखेंगे तो वाई का वैल्यू फोर, हाँ देख रहे बढ़ रहा, और जब इन्फिनिटिव रख देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। अच्छा जब माइनस वन रखेंगे तो वन बाई टू आ जाएगा, जब माइनस रखेंगे तो वन बाई टू, जब माइनस टू रखेंगे तो वन बाई फोर, घट रहा है, देखो ना वन बाई टू वन बाई फोर ग्राफ क्या हो रहा है, घट, यानी कि जैसे जैसे डोमेन को निगेटिव दे रहे हैं
अब डोमेन का मतलब x का वैल्यू समझना, जैसे जैसे डोमेन को क्या दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, y का वैल्यू घटते जा रहा है, और जैसे जैसे x को पॉजिटिव दे रहे हैं y का वैल्यू क्या, या मतलब कि इसके मतलब ये समझता है कि अच्छा जैसे जैसे डोमेन बढ़ेगा, जैसे जैसे डोमेन बढ़ेगा ग्राफ इंक्रीजिंग करते चला जाएगा। सर देखो ना, माइनस वन माइनस टू पर ग्राफ क्या हो रहा है, घटते जा रहा। अगर देखो माइनस टू माइनस वन अगर ग्राफ तुम इंक्रीजिंग डोमेन को इंक्रीज करते जाओ तो ग्राफ का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। तो मतलब अच्छा एक बात देखा कि जब माइनस इन्फिनेटिव ले लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो पॉजिटिव आएगा। जीरो पॉजिटिव मतलब समझ जाते हैं आपको, जैसे वाई इज इक्वल टू क्या लिए, टू की पावर एक्स, इसके मतलब क्या हो गया कि टू का पावर माइनस इन्फिनेटिव, टू का पावर क्या हो गया माइनस इन्फिनिटिव, तो क्या आ जाएगा वन बाई टू का पावर इन्फिनिटिव, तो बहुत ज्यादा नंबर क्या करेगा जीरो को टेंड्स करेगा जीरो के। लेकिन कैसा, ये नीचे क्या बना कि टू का पावर जो बना है पॉजिटिव बना है कि नेगेटिव बना है, इन्फिनिटिव में भी okay. इन्फिनिटिव में भी नीचे क्या बन रखा है, वन बाई इन्फिनिटिव बना है पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में, ना कि माइनस रिस्पेक्ट में बन रखा है, समझ गए। कभी कभी होगा कि माइनस इन्फिनिटिव भी नीचे आएगा, समझ गए बात को। तो क्या होगा कि इसलिए क्या बनता है, जीरो पॉजिटिव की ओर टेंड्स करता है, मतलब कि कहीं भी ग्राफ जीरो नहीं बना है। जिस वक्त प्लस इन्फिनिटिव लिए उस वक्त क्या बन गया इन्फिनिटिव, जिस वक्त माइनस इन्फिनिटिव लिए उस वक्त क्या बन गया जीरो पॉजिटिव बना, जीरो तो बन गया बट जीरो पॉजिटिव। अच्छा कहीं भी देखें कि वैल्यू कभी भी इसका नेगेटिव हुआ हो, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव की ओर चले गए, कभी भी इसका वैल्यू जीरो हुआ हो, सॉरी जीरो नहीं निगेटिव हुआ हो, कभी नहीं। आप कोई भी वैल्यू रख लो निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है, इवन तो हम माइनस इन्फिनिटिव इतना बड़ा निगेटिव नंबर ले लिए फिर भी क्या हो गया वो पॉजिटिव हो गया। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। अच्छा जीरो पे वैल्यू क्या आया है वन, मतलब इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा ये अपना जीरो है, समझ गए, देखिएगा ग्राफ क्यों बना रहे हैं। समझ गए, ये अपना ग्राफ हो गया और ये अपना क्या हो गया वन। चाहे इसका कोऑर्डिनेट का अगर नाम देना चाहते हैं तो दे दीजिए जीरो कॉमा वन, कि एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो वाई का वैल्यू क्या आएगा वन आएगा, समझ गए। तो ये आपका देखिए इंक्रीजिंग ग्राफ है, देखिए माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव की ओर देखिए कि जिस वक्त हम माइनस इन्फिनिटिव ले रहे थे, जिस वक्त हम क्या ले रहे थे, देखिएगा ग्राफ कि जिस वक्त हम माइनस इन्फिनिटिव ले रहे थे उस वक्त क्या कर रहा है, ग्राफ जीरो को टच कर रहा है। ये वाला वैल्यू क्या होता है y बराबर जीरो, जो x एक्सिस रहता है वो क्या रहता है y बराबर जीरो। तो जिस वक्त हम माइनस इन्फिनिटिव ले रहे थे ग्राफ क्या कर रहा था, एकदम जीरो को टच कर रहा था, y का वैल्यू क्या कर रहा था टच कर रहा था, टच नहीं कर रखे हैं, जीरो कभी हुआ ही नहीं है, जीरो से बस हल्का ज्यादा, बस कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। जीरो हो जाने का मतलब क्या रहता है, ग्राफ इसको टच कर जाता, हम टच नहीं करवाए, हल्का ऊपर है बट टच करवाने की कोशिश किए हैं, टच करवाने का कोशिश की है। तो क्या रहा कि अब देखो, अब देखना ऐसे देखना कि इस तरफ क्या है निगेटिव डोमेन है, इस तरफ क्या है, तो जैसे जैसे हम निगेटिव को बढ़ाते गए देखो ग्राफ ऊपर चलता गया है, देखो बढ़ रहा ग्राफ ऊपर की ओर भाग रहा है, ग्राफ के ऊपर भाग रहा है, समझ गया। और जब पॉजिटिव देना स्टार्ट किया बड़ा तेजी से ऊपर की ओर भाग रहा है ग्राफ। और देखो अब अगर ऐसे सोचता है कि जैसे जैसे डोमेन को घटा रहे हैं, मतलब कि अगर इस ओर भागेंगे, अगर ऐसे देखा जाए कि अगर घटा रहे हैं डोमेन को तो क्या हो रहा है वैल्यू घट रहा है, समझ, लेकिन डोमेन को इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा अब पहचानना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोला जाता है। तो क्या होता है कि अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन उसको बोला जाता है कि आप डोमेन को बढ़ाइए तो देखिए ग्राफ क्या ऊपर की ओर भाग रहा है, देखिए डोमेन को बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ क्या हो रहा है ऊपर की ओर भाग रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। चलो इसका बड़ा तेजी से हमको डोमेन याद रखना पड़ेगा, डोमेन डोमेन बताओ माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, देखो ना डोमेन बोलने का मतलब देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना घेरा है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। रेंज बोलने का मतलब वाई एक्सिस को कितना घेरा है, तेजी से बताओ इसका रेंज क्या होगा, वन से यहां जीरो को भी तो टच कर रहा, तो रेंज क्या होगा, देखो ना ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या, तुम वन से बताने का मतलब क्या है कि ये इतना दूर है ही नहीं, ग्राफ यहीं से उठ गया, लेकिन यहां से उठ रहा है ना ग्राफ, ग्राफ का सबसे मिनिमा देखो कि वो सबसे नीचे किस लेवल पे खेल रहा है, तो देखो जीरो पे है, लेकिन जीरो पे क्लोज ब्रैकेट की ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि कभी ग्राफ जीरो हुआ ही नहीं, जीरो को बस टेंस किया बस हल्का सा, समझ गया। तो रेंज इसका क्या आ गया,
जीरो से इन्फिनिटिव, तो यहां जीरो देने का मतलब क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट देने का मतलब क्या हुआ कि जीरो से बस हल्का ज्यादा, बस हल्का ज्यादा, समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, तो आपको डोमेन लिखा दिए रेंज, हाँ लिख लीजिए। ये जो ग्राफ है किसके लिए बना बाबू, ये y इज इक्वल टू एक्स के लिए बना है, जहां पर a ग्रेटर देन 1 के लिए बना है, समझ गए। लिख लीजिए इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोला जाता है बेटा, कि आप डोमेन को बढ़ाइए तो देखिए ग्राफ क्या ऊपर की ओर भाग रहा है, समझ गए। डोमेन बढ़ाते इसके साथ रेंज भी बढ़ना चाहिए, इसके मतलब क्या कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। इसका याद रखिएगा, डोमेन क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होता है जीरो से इन्फिनिटिव, जीरो पे ओपन ब्रैकेट। पूरी तरह से ग्राफ आपको समझ में आ गया, चलिए तो इसको ग्राफ को बना लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आपको बता रखे थे कि बेस अब क्या ले लिए, जीरो और वन के बीच में ले लिए हैं, समझ गए। तो जीरो और वन के बीच में लेने का मतलब क्या है, किसका किसका ग्राफ बन रहा है, वन बाई टू एक्स का ग्राफ, वन बाई थ्री एक्स का ग्राफ, वन बाई फोर एक्स का ग्राफ, वन बाई फाइव एक्स का ग्राफ, हाँ वगैरह वगैरह, ये सब ग्राफ बन रहा है, समझ गए। ये सब का ग्राफ क्या बन रहा है, ये अब देखिए क्या हो रहा है बेटा, कि वाई बराबर वन बाई टू एक्स मान ली, तो जब एक्स का वैल्यू जीरो लिए तो क्या होगा, वन आएगा, दोनों में एक बात कॉमन आ गया, वहां भी जीरो लिए थे तो वन आ गया था, यहाँ भी जब वन लेंगे तो वन बाई टू, जब थ्री लेंगे तो वन बाई फोर, थ्री लेंगे टू लेंगे तो वन बाई फोर, थ्री लेंगे तो वन बाई एट, मतलब कि डोमेन को बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू घट रहा है, मतलब कि डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डोमेन को बढ़ा रहे हैं तो एक्स का वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा। अब देखो कि डोमेन को फिर यहां क्या कर रहे हैं, घटा, ये माइनस वन माइनस टू का मतलब क्या होता है, घटना। हाँ, डोमेन को घटा रहे हैं तो वैल्यू क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। चाहे आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि डोमेन को बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू अभी भी घट रहा है, तो डोमेन बढ़ाने माइनस थ्री पर एट, माइनस टू मतलब डोमेन को बढ़ाए हैं, डोमेन को बढ़ाए हैं तो वैल्यू घट रहा है। डोमेन को बढ़ाने पर अगर वैल्यू घटता है तो वो क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका देखिए ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ जो बनेगा आपका कुछ यूं बनेगा, उल्टा बन जाएगा इसका, समझ गए। ये इस ओर से स्टार्ट होगा, इस छोर से उल्टा यूं बनेगा, और अभी भी देखिए ये जीरो पे वन ही पर पास करेगा, जीरो कॉमा वन अभी भी है ये, और अभी भी ये जीरो को टच नहीं किया है, टच मत करा देना जीरो को। अब देखते हैं कि इसका क्या हो गया था, इन्फिनिटी पे तो जीरो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे देखो वाई बराबर क्या लिए, वन बाई टू का पावर एक्स, जब एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाने का मतलब क्या है कि टू का पावर इन्फिनिटी हो जाना, तो मतलब पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव की ओर, तो क्या हो गया जीरो प्लस हो जाएगा। तो देखो इन्फिनिटिव, जब एक्स का वैल्यू इन्फिनिटिव लिए, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटिव इस तरफ रहेगा, इस तरफ माइनस इन्फिनिटिव, इस तरफ प्लस इन्फिनिटिव, तो एक्स का वैल्यू जब इन्फिनिटिव ले तो वो जीरो नहीं हुआ, जीरो का क्या कर रहा था, टच कर रहा था। अगर देखो डोमेन क्या कर दिए कि बहुत घटा कर रख दिए, डोमेन माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि डोमेन एकदम अपना मिनिमम लेवल पे है, समझ गया। तो क्या हो गया, जैसे वन पर पावर माइनस टू का पावर इन्फिनिटिव कर ले तो वन पर क्या हो गया, टू पर पावर माइनस इन्फिनिटिव हो गया, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, टू का पावर इन्फिनिटिव, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। देखो जिस वक्त एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव था, समझ रहे, जिस वक्त एक्स का वैल्यू क्या था माइनस इन्फिनिटिव, उस वक्त ग्राफ देखो कहां है। हेलो सर, अरे क्या कर रहा है यार, जिस वक्त एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव ले रखे थे, एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव, उस वक्त ग्राफ कहां है, इन्फिनिटी पे है। वाई को देखो ना, वाई इन्फिनिटिव यहां होगा ना, देखो यहां दिख रहा माइनस इन्फिनिटी पे क्या है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी पे क्या है, जीरो पॉजिटिव, ये बात देख ग्राफ समझ में आ रहा। तो ग्राफ क्या रखी, इस तरफ क्या हो, डोमेन को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते गए, तो क्या कर रहा, वो क्या हो रहा, घट रहा। तो लिख लीजिए कि बेस इसके लिए क्या है, ये भी क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ है, बट ए क्या है, ए जो है जीरो और वन के क्या है, बीच में है। तो क्या लिख लेते हैं, इट इज, इसका डोमेन चलो बताओ तेजी से, डोमेन ऑल रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव रेंज, अरे भाई जीरो से इन्फिनिटिव, देखो ना जीरो से इन्फिनिटिव की ओर गया ना, समझ, लिख लेते हैं इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए इसी में एक चीज और सिखाते हैं हम आपको, हाँ समझिएगा, समझिएगा कि अगर कोई आपको कल होकर बोल दे कि y बराबर 12 x का ग्राफ बनाइए, समझ गए, y इक्वल टू 12 x का ग्राफ बनाइए, नोट करके आप देख लीजिएगा इस बात को, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या बनाए आप, बड़ा तेजी से वही ग्राफ बना दीजिए, समझ गए, y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ बनाने बोले, बड़ा तेजी से वही ग्राफ खींच दो आप, समझ गए, ये ग्राफ क्योंकि बेस क्या है बड़ा है, तो ये ग्राफ बड़ा तेजी से खींच दो, अरे एक्स का पावर एक्स का ग्राफ है ना,
वही ग्राफ है ना, एक बोले थे कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कुछ भी ले लेंगे, मेरा मर्जी। समझ गया, 13 का खेली 14 के लिए सब यही ग्राफ होगा। बट बोलेगा अगर क्या ओवरलैप कर जाएगा क्या, नहीं ऐसा भी बात नहीं है। जैसे बोला कि y इज इक्वल टू 13x का ग्राफ बनाए, y इज इक्वल टू 13x का ग्राफ बनाए, तो बस हल्का सा क्या कर दो, ज्यादा कर दो, क्योंकि इसके लिए हर एक वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा ना, और निगेटिव देंगे तो और ज्यादा तेजी से घटेगा। तो क्या अगर इस तरफ से तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसको जब पॉजिटिव देते जाएंगे तो 12 से ये हो गया वाई इज इक्वल टू 12x, समझ गया। लेकिन इसको जैसी हल्का, बस हल्का सा ज्यादा रहेगा इस ग्राफ को, हाँ ये हो गया y इक्वल टू 13x का ग्राफ, और इस तरफ हल्का क्या रहेगा, झुका हुआ नीचे की ओर रहेगा, समझ गया, जीरो को टच नहीं कर रहा, हाँ जीरो को टच नहीं करेगा। अच्छा इस तरफ नीचे क्यों रहा, क्योंकि डोमेन को अगर निगेटिव मान के चलो, इसको -1 दिए, इसको भी -1 दिए, तो छोटा ये हो जाएगा, समझ रहे, इसलिए नीचे। हाँ अगर दोनों को 1-1 देंगे तो ऊपर की ओर बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए हल्का ऊपर रहेगा। अगर मान चलिए कल हो गया 15x पूछ दिया, तो इस तरफ से हल्का ऊपर रहेगा, इस तरफ से और नीचे रहेगा। अगर कोई पूछ दिया 10x, तब ये इस तरफ से नीचे रहेगा, इस तरफ से ऊपर रहेगा हल्का। लेकिन जीरो को तो कभी टच ही नहीं करेगा, जीरो कभी हो ही नहीं सकता है, जीरो बस हल्का ऊपर रहेगा जीरो के। अच्छा तो सिखाना हम ये चाह रहे हैं आपको कि एक्स का वैल्यू जब जब बढ़ा दीजिएगा, इस तरफ क्या, इस तरफ जो रहता है क्या रहता है, एक्स का वैल्यू बढ़ा रहता है, और इस तरफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव रहता है। तो जब भी अगर 12x करते हैं कि 13x ग्रेटर देन 12x, इसके मतलब क्या होता है, कि एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो रहा होगा, क्योंकि इस दरमियान अगर इस आप पार्ट को छोड़ दीजिए तो क्या हो गया, 13x हमेशा ऊपर की ओर है, 13x ऊपर की ओर है, ये हमेशा क्या आएगा, x जब निगेटिव रहेगा, x जब पॉजिटिव रहेगा तभी इस कंडीशन को होल्ड करते रहेगा। देखो ना, x 2 बढ़ाओ तब हमेशा बढ़ा रहेगा, 3, 4 के लिए सब के लिए बढ़ा रहेगा। अगर ऐसे ही सोचो कि अगर इस तरह आ जाए कि 13x लेस देन 12x, तब क्या आएगा, अगर जब तक इस तरह पॉजिटिव था तो हम लोग देखने का आदत रहता है, चलो भैया बड़ा तो बड़ा होता ही है, अब क्या आएगा, इसमें x लेस देन 0 बन जाएगा। क्यों, देखो क्यों, क्योंकि ये चीज यहां पर क्या आ जाता है, देखो ग्राफ, इसमें ग्राफ में देखिएगा, इस ग्राफ में अच्छे तरीके से देखिएगा क्या, कि यहां पे क्या है, ऊपर कौन है, ये देखिए ये क्या है y इज इक्वल टू 12x, और नीचे कौन है y इज इक्वल टू 13x। तो यहां पे बताओ कि इस रेंज में इस x के लिए निगेटिव के लिए बड़ा कौन हुआ, 12x बड़ा हो गया, समझ गया। तो समझ रहे हैं कि कब होगा, हाँ कि अगर मान चलो, इसे याद ट्रिक रखने का तरीका यह है कि अगर पॉजिटिव रहता है तो सब जानता है कि बड़ा भैया बड़ा होता ही है, लेकिन जिस दिन बड़ा छोटा पे भारी पड़ गया, सॉरी छोटा बड़ा पे भारी पड़ गया, बड़ा हो गया ना, देखो छोटा होकर ही बड़ा हो गया, जिस दिन क्या हो गया कि छोटा बड़ा पे भारी हो गया, उस दिन समझना कि दुनिया निगेटिव में जा रहा, क्योंकि हम लोग तो बड़ा का रिस्पेक्ट करते हैं ना, समझ रहे बात को, कैसे याद रखना है, एक निगेटिव, ये बात पूरे तरह से फील हो गया कि इस डोमेन में क्या होगा, कि जो बड़ा वाला है वो छोटा वन होने लगेगा। सोचो ना, एक्स का वैल्यू -2 दो तब ये ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, हाँ समझ रहा, देखो ना -1 ही देते हैं क्या आ जाएगा, 1/13 और 1/12, दोनों में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, जबकि दोनों का पावर 1 दो तो फिर ये बड़ा होने लगेगा, समझ गया। तो याद कैसे रखें, फिर से बोल रहे हैं कि पॉजिटिव जब तक चलते रहता है, चलो भाई बड़ा को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो दुनिया का रीति है कि बड़ा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिस दिन क्या रहा छोटा बड़ा पे भारी पड़ गया, ऐसा कभी हो सकता है कि बड़ा छोटा को ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे, इसे तो रिस्पेक्ट सबका है, लेकिन एक कहावत के मतलब समझ गया, तो उसको तो बड़ा कभी भी छोटा को ऑर्डर ही देगा, तो जिस दिन छोटा बड़ा पे भारी पड़ने लगे, उस दिन दुनिया समझो कि बोलता है कि माने कि अब होता है ना कि अपना सभ्यता की अगर बात की, सांस्कृतिक का बात किया जाए, बोलेगा खत्म होते जा रहा है, तो समझना कि निगेटिव में जा रहा है दुनिया, मतलब एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। ये सब पूरी तरह से समझ में आ गया आपको, तो चलिए जो समझ में आता है सब नोट कर लो, समझ गए बात, हाँ देखिए इसका डोमेन पूछ रखा है, समझ गए बात को, इसका डोमेन आपसे पूछ रहा है, तो क्या अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा रहा है पहले उसको डिफाइन कर लो, क्या आ जाएगा, 2x 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके मतलब 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5x, देखा कौन बड़ा हो गया, 2 का पावर x बड़ा हो गया 5x से, तो क्या बोले थे कि जिस दिन बड़ा, जिस दिन छोटा बड़ा पे भारी पड़ने लगे, दुनिया निगेटिव में जा रहा, तो x इज लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। सोच रखा है इसका कंसेप्ट कहां से आ गया, ऐसे समझाते मर जाते लेकिन तुझको समझ में नहीं आता, समझा गया, समझाते मर जाते लेकिन तुझको समझ में नहीं आता इसे, हाँ देखो ये वगैरह रटा रटा वो लगता, अब ग्राफ पे समझाए तो तुझे लग रहा हाँ सही बोल रहे हैं, सब कुछ फिल करवाए कि देखो ये बड़ा कैसे क्या कैसे वगैरह वगैरह, हाँ तो अपना आंसर क्या आ गया,
माइनस इन्फिनिटिव से जीरो, इतना एक्स का वैल्यू जब जब देते रहेगा ये हमेशा इससे बड़ा होते रहेगा, 5x से 2x से ज्यादा बढ़ाते रहेगा होते रहेगा, समझ गया बात को। वही अगर क्वेश्चन ये रह जाता कि इसका डोमेन बताओ 5x माइनस 2x, ये क्या जाता 5x माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब 5x, ये तो दुनिया का रीति है कि बड़ा छोटा, बड़ा जो है छोटा सा बड़ा ही होता है, छोटा बड़ा में रिश्ता क्या होता है, बड़ा बड़ा ही होता है, इसलिए दुनिया का प्रकृति भी अपना ही अनुसार चलो कि x भी बड़ा होगा, इसमें तो कोई सोचने वाला बात नहीं। सोचने वाली बात बच्चा यहां फंस जाता है, यहां पर तो कोई भी आराम से समझा देगा कि देखो बड़ा है ना तो इसको भी बड़ा ले लो, लेकिन समझाना यहां पर ऐसा कंसेप्ट कहां से आया तुम समझ रखा है, कितना डिटेल जाकर इसका कंसेप्ट को बताया है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, एक्स का जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं। हम बोले ना क्या कि बड़ा अगर छोटा, छोटा बड़ा पे भारी पड़ने लगे तो, क्योंकि बड़ा छोटा वाला बड़ा हो जा रहा तो भाई भारी तो पड़ ही रहा, तो उस वक्त नेगेटिव ले लेंगे, दुनिया नेगेटिव में जा रहा, कितना अच्छा ट्रिक भी सेट है, फिट भी खाता है, समझ गया। चलिए अब लॉग का ग्राफ पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं, कोई डाउट ही नहीं है, बहुत डिटेल पढ़ रखे हैं। तो क्या है कि y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ए ऐसे होता है, जिसमें a ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, a इक्वल टू नोट वन, हाँ तो ये सब तो जानते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू इतना हम अब जानते हैं कि इसमें भी लॉग में दो तरह का बेस पढ़ते हैं, एक जीरो और वन के बीच के लिए पढ़ते हैं और एक क्या पढ़ते हैं वन से बड़ा के लिए पढ़ते हैं, तो वन से के लिए बड़ा के लिए पढ़ते हैं। क्यों ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि बाद में तो ओवरऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही तो बन जाता है ये, समझ गए, लेकिन उल्टा बनता है। हाँ आपको ये भी दिखाएंगे कैसे एक दूसरे का उल्टा होता है। तो क्या होता है कि ये तो बन गया आपका डिफिनेशन, हाँ इस तरफ उड़कर आ जाएगा, टू का पावर वाई हो जाएगा। तो देखिए वाई का पावर वन, वाई का पावर जीरो लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा वन, वाई का पावर वन लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा टू, वाई का वैल्यू टू लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा फोर। हाँ समझ में आ रहा ना। तो अब ग्राफ देखिए, अब हम देखते हैं क्या डोमेन देखते हैं क्या, कि डोमेन को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वाई का वैल्यू क्या हो रहा देखिएगा, अरे सुअर घट रहा है, घट रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ाओ तो वाई का वैल्यू क्या हो रहा, एक्स का वन पे क्या है जीरो, टू पे क्या है वन, फोर पे क्या है टू, एट पे क्या है थ्री, सिक्सटीन पे क्या है फोर, बढ़ रहा है ना, कहां घटा, अरे कहां घटा गधा। इन्फिनिटी पे क्या हो गया, जब एक्स का वैल्यू, जब वाई का वैल्यू इन्फिनिटिव लेंगे तो एक्स का वैल्यू भी क्या होगा इन्फिनिटिव, जब वाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव लेंगे तो जीरो पॉजिटिव चला जाएगा। सोचने वाली बात है कि वाई का वैल्यू अगर माइनस एक्स इक्वल टू क्या टू पर पावर वाई, तो इस पर माइनस इन्फिनिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई टू पर पावर इन्फिनिटिव क्या होगा जीरो पॉजिटिव को टेंस कर जाएगा, ये तभी बता रखें। तो ग्राफ क्या हो रहा है कि सबसे पहले देखते हैं हमेशा जीरो पर देखते हैं, जीरो पर क्या हो रहा है, एक्स का वाई का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो कहाँ होता है इस पर होता है, तो एक्स का वैल्यू वन कहाँ होगा यहाँ होगा। तो ग्राफ क्या होगा देखना, वाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव, वाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव यहाँ होता है, जिस वक्त वाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव हो रहा होगा उस वक्त एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव, समझ रहा जीरो पॉजिटिव। तो ग्राफ इसका कुछ यूं बनेगा, समझ रहा बात का, ग्राफ कुछ यूं बनेगा। अब देखो ये वाला पॉइंट क्या आ गया, ये क्या आ गया ग्राफ क्या है कि एक्स का वैल्यू वन तो वाई का वैल्यू जीरो, बच्चा बच्चा जानता है कि देखो ना इसके स्थान पर वन रखो तो वाई का वैल्यू क्या बन जाएगा जीरो। और जैसे जैसे कहते हैं देखो ग्राफ को जैसे आप देखो और इन्फिनिटिव पे, यानी कि वाई का वैल्यू जब इन्फिनिटिव लिए तो वाई का वैल्यू इन्फिनिटिव होने का मतलब कि वाई का वैल्यू ये वाला इन्फिनिटिव, हाँ तो एक्स का वैल्यू भी उस वक्त क्या हो रहा है इन्फिनिटिव। जिस वक्त माइनस इन्फिनिटिव लिए वाई का वैल्यू, जिस वक्त माइनस इन्फिनिटिव ये लिए उस वक्त देखो जीरो पॉजिटिव हो रहा, जिस वक्त वाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव लिए, जिस वक्त वाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव लिए उस वक्त एक्स देखो क्या है, अब एक्स देखो ये वाला ये ग्राफ इसको हल्का हल्का मान चलो एक्स को देखे, चाहे एक्स को ऐसे देख लो जीरो पॉजिटिव, एक्स एक्स जीरो पॉजिटिव क्यों आया देखो एक बात और यहां से सीखें, एक्स का वैल्यू जीरो ही पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि लॉग जीरो के लिए डिफाइन भी तो नहीं होता इसलिए तो ग्रेटर देन जीरो बोला जाता है। देखो ग्राफ से सब कुछ क्लियर है, तो देखो एक्स का वैल्यू जीरो पॉजिटिव, देखो ये अपना क्या है जीरो, तो पूछेगा ग्राफ जीरो पे कहां है, जीरो से हल्का तुम बढ़ो तुम ये बट नीचे गिर जाएगा ग्राफ, देखो ना जीरो पॉजिटिव के लिए ग्राफ इधर उधर है, ग्राफ सीधा इस तरफ है सर। तो ये हो गया आपका log x टू द बेस a वेयर बेस ग्रेटर देन वन। तो जैसे जैसे डोमेन को पढ़ा रहे हैं ग्राफ क्या हो रहा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग ये लिख दी इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा इसका बड़ा तेजी से बता दो डोमेन क्या होगा, डोमेन इन्फिनिटिव से
अरे क्या यार डोमेन बता नहीं सकता देख के, ये ग्राफ एक्स को कितना घेर रखा है, वन से इन्फिनिटी है, वन से पहले ग्राफ नहीं है क्या ये, जीरो से इन्फिनिटी जीरो पर ओपन ब्रैकेट, ये ग्राफ देखो ना एक्स को घेरने का मतलब तुमको क्या यहां से दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट फिर क्या है, ये वाला भी तो इतना दूर भी तो घेर रहा है, देखो ना इतना के लिए ये सब नहीं हो रहा, देखो ना ये सब नहीं हो रहा है नहीं एक्स के लिए, लेकिन जीरो पॉजिटिव के लिए, जीरो पे तो ग्राफ है ही नहीं, एग्जैक्ट जीरो पर ग्राफ, एग्जैक्ट जीरो का बात करता है तो ये वाला लाइन बन जाता है, उस पर ग्राफ है ही नहीं, इसको हल्का सा टच नहीं किया, बस टच करने का कोशिश कर रहा है, रेंज क्या हो जाएगा, ग्राफ वाई एक्सिस को कितना घेरा है, वन से इन्फिनिटिव ना, ये सब तो बेकार है, अरे अगर आप यार वाई एक्सिस को माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव घेर लिया ना, रेंज क्या हो गया माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, समझ गया था, डोमेन हो गया जीरो से इन्फिनिटिव और रेंज क्या हो गया माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ग्राफ याद रहना चाहिए। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ देखिए अब इसको कि अब ग्राफ का जो ले लिए हैं जीरो और वन के बीच में ले लिए हैं बेस इसका, हाँ तो आपको पता था कि जीरो और वन के बीच में बेस भी लेते हैं तो इनक्वालिटी का साइन बदलता भी है, आपको ये भी बता रखे हैं। हाँ देखिए अब डोमेन को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाई का वैल्यू घट रहा है, घट रहा है ना, तो ग्राफ आपका कुछ यू बन जाएगा, समझ गया, और देखिए माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी बन जा रहा है, जब एक्स का वैल्यू इन्फिनिटिव होगा तो वाई का वैल्यू माइनस, देखो ना वाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव तो टू का पावर इन्फिनिटिव, वाई का वैल्यू होगा ना माइनस इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, टू का पावर माइनस इन्फिनिटी तो ऊपर की ओर जाएगा ना, तो इन्फिनिटिव, जीरो प्लस पे यानी कि जब इन्फिनिटिव लेंगे तो टू का पावर नीचे इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो क्या कर जाएगा जीरो को टेंस कर जाएगा, क्लियर है सर सारी बात, तो इसका ग्राफ जो है कुछ यूं बन जाएगा, हाँ उल्टा बन जाएगा, जैसे दिखा था ना इसमें भी एक ऐसे बना था तो एक ऐसे बन गया था, दिखा था तो एक अगर ऐसे बन गया तो एक ऐसे बन जाएगा, देखो अब डोमेन बढ़ा रहे हैं तो एक्स का वैल्यू बड़ा तेजी से घट रहा है, वाई का वैल्यू घट रहा है, तो ये ग्राफ क्या हो गया, और भी देख लो जीरो पॉजिटिव पे क्या रहा, जीरो पॉजिटिव पे वाई का वैल्यू क्या चल जा रहा है, इन्फिनिटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन में जीरो पॉजिटिव, देखो जीरो ये जीरो है, बस तुम जीरो से हल्का बढ़ो तो तेरा ग्राफ कहाँ की ओर भाग रहा है, ऊपर की ओर चला गया है, जबकि पिछला बार क्या जा रहा था नीचे की ओर जा रहा था, तब बार क्या कर गया इन्फिनिटिव को टेंड्स कर जाएगा, क्लियर है सर बात, और अभी भी ये क्या होगा वन कॉमा जीरो ही होगा, समझ गया बात को, ये भी आपका वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स का ही ग्राफ है, बट अबर क्या है जीरो और वन के बीच है, देखो सब ग्राफ आपको रिकॉल करवाते हैं, बेस एक से बड़ा इसी तरह लॉग के लिए क्या होगा, बेस बड़ा रहा गया तो आपका ये ग्राफ, हाँ और आपका बस यही ग्राफ, अगर बेस छोटा रह गया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यू हो गया, हाँ इसका क्या हो जाएगा कुछ यू हो जाएगा, बस यही चार ग्राफ तो आपको बता रखे, इसका क्या हो जाएगा कुछ यू हो जाएगा, सॉरी ये तो बता ही रखे ना इसका, हाँ इसका कुछ यू हो जाएगा लॉग वाला, समझ रहा है सब कुछ बता जाते हैं, अब दोनों को मिला के एक ग्राफ बनाते हैं, समझ गया, चलो आगे बढ़ते हैं अब, हाँ देखिए अब जो ग्राफ बना रहे हैं ग्राफ ऑफ ln x एंड e टू दी पावर x टुगेदर, आपको बता रखे हैं कि e टू दी पावर x का मतलब क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ आपको बता रखे हैं, a का पावर x, e का पावर x, पाई का पावर x वगैरह सब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें बेस लिए ग्रेटर देन वन, और दोनों को एक साथ बनाना है तो हम चलो बनाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ, कुछ नहीं दोनों को एक साथ सिर्फ बनाते हैं, तुम देखना बताना क्या क्या होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ बन गया बेस, तो ये बन गया ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ यूं बन गया, ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा, ये इस ओर भागेगा ये इस ओर भागेगा, हाँ ये ग्राफ बन गया। अच्छा देखो तो क्या ये y इज इक्वल टू एक्स के लाइन अगर खींचते हैं y इज इक्वल टू एक्स, अगर मान के चलो यहां पे मिरर लगा देते हैं तो सेम टू सेम इसका इमेज बनेगा, देखो ना अगर ये इस ओर दिख रहा था ये इस ओर दिखेगा, अच्छा ये जो होता है ये y के पावर क्या है x का ग्राफ बनाए हैं y टू दी पावर x का ग्राफ, माने कि अगर मिरर में देखेंगे तो सब चीजें उल्टा दिखेगा। अच्छा देखो जब log का वैल्यू 1 देते हैं तो y का वैल्यू 0 होता है, होता है पक्के सभी ग्राफ में बताए रखे हैं, और जब इसमें क्या होता है कि इसमें जब 0 देगा तब ये 1 होता है y का पावर x में, देखो ना e का पावर x का पावर 0 देगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, एक दूसरे का देखो उल्टा दिख रहा है, अगर मिरर लगाएगा तो ये उल्टा दिखेगा, यानी कि y इज इक्वल टू x इसका क्या हो जाता है मिरर हो जाता है। हाँ इसे डॉट 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 बना लो चाहे सॉलिड ही बना लो क्या दिक्कत है, ये y इज इक्वल टू x लाइन है, ये y इज इक्वल टू x क्या है लाइन है, तो क्या बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है y इक्वल टू x के अबाउट दोनों क्या बनाता है अपना मिरर इमेज बनाता है, अपना क्या बनाता है मिरर। अच्छा अगर मिरर इमेज बनाता है तो अपने को यह भी बात पता है कि
इन दोनों के बीच यहाँ इस लाइन के बीच में क्या बनता होगा, 90 डिग्री का एंगल बनता होगा। हाँ, क्योंकि 90 डिग्री पर एंगल, मान के चलो यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, बीटा कॉमा अल्फा, समझ रहा। तो ये हो गया वाई इक्वल टू, ये हो गया अपना वाई इक्वल टू एल एन एक्स, अरे लॉग बोलो चाहे एल एन, दोनों बात बराबर, इसमें नेचुरल लॉग इसको बोलते हैं, इसलिए बेस इसका क्या ले लेते हैं ई। आप ऐसे भी सोचो कि अगर कोई पॉइंट, हाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट अगर इसको डिफाइन करते हैं तो क्या आता है कि यहाँ पर कुछ नहीं तो बेस ई रहता है, तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा, ई पर पावर वाई। देखो इसका जस्ट उल्टा है, ई एक्स यहाँ है तो वाई यहाँ, ये एक वाई यहाँ है तो एक्स यहाँ है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, मान के चलते हैं पॉइंट लेते हैं कि वाई का वैल्यू वन लेते हैं, समझ गए, वाई का वैल्यू क्या लेते हैं वन, चाहे एक्स का वैल्यू लेते हैं वन, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू इस ग्राफ पे, अगर एक्स का वैल्यू लिए वन तो वाई का वैल्यू क्या हो गया ई, देखना तो इसका इमेज क्या बनेगा, इस पे ई कॉमा वन बनेगा। तब देखो मिला लो कि जब तुम अबर क्या होगा, ये वाई है और ये ई है, देखना आ रहा है यहां, समझना, समझ गया बात को, अबर क्या लेनी है, इस पर अगर पॉइंट इस ग्राफ पे पॉइंट क्या लिए हैं, एक्स के स्थान पर वन किए हैं, तो वाई का वैल्यू क्या हो गया ई, तो इसका 100% इमेज क्या बनेगा, ई कॉमा वन। अब ऐसे मिला लो कि इसका डिवाइड डिफिनेशन ये आ जाएगा कि ई का वैल्यू अगर मान के चलो एक्स के स्थान पर ई लेते हैं तो वाई का वैल्यू वन हो जाएगा। देखो एक दूसरे का रेसिप्रोकल बन गया, इमेज बन गया। हाँ, तो इसको क्या बोल दिया, मिरर इमेज बोल सकते हैं। अब मिरर इमेज हमारे क्या बनता है, 90 डिग्री पे बनता है, सॉरी 90 डिग्री यहाँ पे, समझ गए बात को, इसके साथ क्या बनाएगा, मिरर के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो समझ गए कि लॉगरिथमिक फंक्शन, और ये आपको बार बार बोल रहे थे कि एक दूसरे का क्या है, इमेज बनाता है। अब बिल्कुल अच्छा तरीका से फील हो गया इस बात को, यहां से 1.0 थी, 0.1 होता है, किसके अबाउट मिरर इमेज बनाता है, y इज इक्वल टू x के अबाउट क्या बनाता है, मिरर इमेज बनाता है। समझ गए, तो आप लोग लिख लीजिए कि ln बेस e एंड e टू द पावर x आर रिफ्लेक्शन ऑफ इच अदर अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, या इसी को आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ex and l, ex and ln x आर इनवर्स फंक्शन, आर इनवर्स फंक्शन, एक दूसरे का उल्टा है ना, इनवर्स फंक्शन, या इसी को आप बोल सकते हैं क्या, सब मीनिंग सबका एक ही है, समझ गए, इनवर्स फंक्शन आर, इनवर्स फंक्शन आर मिरर इमेज, समझ गए, मिरर इमेज एनक लगा दो, वाई इज इक्वल टू एक्स, हमारा क्या है, एनक है ऑफ इच अदर इन लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। हाँ देखिए सर, ये सब सबका क्वेश्चन का क्या है, 6 क्वेश्चन है, सबका क्या निकालते हैं हम लोग, एक एक करके डोमेन निकालते हैं। हाँ, तो पहला क्या दे रखा है, रूट के अंदर एल एन एक्स दे रखा है, अपने को अंदर क्या दे रखा है उससे पहले तो कोई मतलब नहीं रखना, पहले रूट को डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए डिफाइन करने क्या क्या लिखा हो गया, एल एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एल एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो कुछ नहीं तो अपने को पता है कि बेस 10 मान के चलते हैं या ई मान के चलो, ई भी एक पॉजिटिव है, अच्छा ई मान लो, कुछ दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई का पावर जीरो, अपने को पता है कि ई ई टू द पावर एक्स होता है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे देखो एक बात और बता देते हैं कि इनक्वालिटी का साइन कहां कहां बदलता है, लॉग में भी देखो इनक्वालिटी का साइन बदलता है कहां पे, जब बेस 0 और 1 के बीच में रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी ग्राफ कहां पे बदलता है, इनक्वालिटी कहां बदलता है, जब 0 और 1 के बीच में रहता है, जैसे आपको बताया मैंने कि 3x ग्रेटर देन इक्वल टू मान के चलो 3 का पावर 2 है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता था, वही बात आपको बता दिए थे क्या कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 अगर आता है तो ये लेस देन इक्वल टू 2 हो जाता है। हाँ, क्यों, क्यों बेस और 0 और 1 के बीच में आ गया तो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी डिक्रीजिंग, तो जहां पर डिक्रीज करता वहां पर चेंज, देखो ना यहां पर इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ 3 का पावर x बता रखे हैं, सब कुछ बता रखे हैं, 3 का पावर x ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, ये देखो डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो क्या हो गया, इनक्वालिटी बदल जाएगा। लॉग में भी क्या हुआ था कि 0 और 1 के बीच में बेस आ रहा था, ग्राफ डिक्रीज कर रहा था, इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, जब ग्राफ इंक्रीज, सीधा याद रखना, जहां जहां पे डिक्रीज करेगा ग्राफ वहां वहां पे इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, समझ गए बात को। तो ई क्या है,
अब तो पहले इसको डिफाइन किए, फिर तो ये वाला आ गया, लॉग इन क्वालिटी में पढ़ा रखे थे ये सब, अब समझ गए। तो e इस तरफ आ गया, e क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो इसके मतलब क्या आ गया, x का वैल्यू वन से इन्फिनिटिव। देखो वन से इन्फिनिटिव कुछ भी देगा तो डिफाइन नहीं होगा, वन अगर रख देगा जीरो हो जाएगा, डिफाइन ही है। यह आपका पहला का आंसर हो गया, समझ गए बात को। आपका दूसरा आंसर क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अपन नीचे में अंडर रूट है तो अगर सिर्फ आप ln x ग्रेटर देन जीरो सिर्फ लिखेंगे तो कुछ नहीं, तो क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन e का पावर जीरो, मतलब x इज ग्रेटर देन वन, मतलब x का वैल्यू वन से इन्फिनिटिव। देखो अगर वन नहीं दिए, अगर वन दे देते तो नीचे में जीरो आ जाता, तो वन डिफाइन हो जाता। तीसरा बात अगर क्या है, वन बाई ln x, तो नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए बस ये, तो ln x इज इक्वल टू नोट जीरो, बाकी सब ले। तो ln x जीरो कहाँ पे होता है बताओ, इसके मतलब क्या है, इसको अगर उड़ाएंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू नोट e का पावर जीरो, देखो ना, तो x इक्वल टू नोट वन, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट सॉरी। साथ ही साथ ये भी तो डिफाइन करना है कि x ग्रेटर देन भी तो जीरो होता है, ये भी तो करना है, नहीं बात समझ में आया, तो ये तो किया ही, लेकिन साथ ये भी तो बोलना पड़ेगा x का वैल्यू आप जीरो से बढ़ा दीजिए। तो क्या आ गया यहाँ पर ग्राफ, क्या आ गया इसका, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, ये बोल रहा है जीरो से बड़ा, तो दोनों को नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। तो क्या आ गया, एक तो ले लेते हैं जीरो, जीरो ही लेते हैं, समझ गया। तो पहला क्या बोल रहा है, एक एक ले लेते हैं, तो पहला पोर्शन क्या बोला है, सब ले लो सिर्फ वन को छोड़कर, और दूसरा क्या बोल रहा है कि जीरो से बड़ा ही सिर्फ लो। तो इसके मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो सिंपल जीरो से लेकर क्या ले लो, एक्स का वैल्यू जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ले लो, उसमें वन को हटा दो, इसका मतलब यही हो गया ना। तो यही आंसर है आपका, बिल्कुल यही आंसर है। तो आप तेजी से नोट कर लीजिए इसको। हाँ देखिए, आपको ये सब क्वेश्चन करवा रखे हैं ऑलरेडी लॉग इन क्वालिटी में, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि किसके किसके लिए डिफाइन होता है, वो काम कर लेते हैं। पहला किसके लिए डिफाइन होगा आपका, कि 2x-1 और x-3 ग्रेटर देन जीरो पहली, दूसरी बात x भी ग्रेटर देन जीरो, और तीसरी बात कि x इक्वल टू नोट वन, याद है आपको सब बात। तो सब इसी को डिफाइन कर लेते हैं। इसके मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से छोटा रूट 1/2, हाँ यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटिव। इसके मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटिव, इसके मतलब हो गया x इक्वल टू नोट। तो बस इतना ही देखते हैं, समझ गया। उसमें अगर इसमें आंसर आ गया वन तो उसको हटा देंगे, समझ गया बात। तो इसका अब तो पता है कि एक केस के अंतर्गत क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। तो क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा बोलो ना, ये तो माइनस में तो ऑब्वियस है यार, नहीं भी लिखा हुआ तब पर भी जान जाओ क्या, जीरो थ्री वन बाई टू, तो सबसे छोटा हो गया जीरो, वन बाई टू और थ्री। तो पहला पोर्शन माइनस इन्फिनिटिव से वन बाई टू और थ्री से इन्फिनिटिव, दूसरा बात क्या बोल रखा है, जीरो से इन्फिनिटिव। तो ये और ये आपका आ गया कॉमन पोर्शन। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया, जीरो से वन बाई टू यूनियन थ्री से इन्फिनिटिव। तो बिल्कुल सही, इसमें वन है भी नहीं, समझ गया, इसमें वन है भी नहीं, नहीं है ना वन, तो कोई डर ही नहीं है, वन रहता तो माइनस करके हटा लेते हैं, समझ गया। ये हो गया आपका चौथा, पांचवा नंबर e टू द पावर वन बाई एक्स, तो डर कहां पे लग रहा है कि नीचे वन बाई एक्स में जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ जहां पर डर है बस उसी को हटाओ। तो क्या करो, x इक्वल टू नोट जीरो, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, हो गया छठा नंबर। छठा बड़ा मजेदार क्वेश्चन, समझ रहा है, छठा जो है बड़ा मजेदार है। देखना छठा के लिए कि ये वाला है, इसके लिए क्या बन रहा है, n, n बन रहा है, बोलो सही है, इसके लिए क्या बन रहा है n, और ये क्या है बेस 10। तो इस पे तो कोई सोचना बात ही नहीं है, ऑब्वियस बात है ग्रेटर देन जीरो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बस फोकस किस पे होना चाहिए, इस पे। तो हम क्या बोलते हैं, पहला लॉ के लिए यहां पे जो लिख रखा है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो क्या आ जाएगा आपका, कि लॉग टेन वन प्लस एक्स टू दी पावर थ्री, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। इसके मतलब ये उड़ के इस तरफ जाएगा, बेस इनक्वालिटी चेंज होना कोई डर नहीं, हाँ तो क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन वन ले लेते हैं। तो इसके मतलब क्या हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो जीरो, और हम बोले थे क्यूबिक को हमेशा लीनियर की तरह ट्रीट करो, हाँ तो x ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इसके मतलब हाँ। मतलब जीरो से इसका वैल्यू क्या आ गया, इन्फिनिटिव, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है सब कुछ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इसका डोमेन निकालते हैं, आप सब जानते हो बेटा, हाँ सब बता रखे हैं,
ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी करवा रखे हैं लेकिन फिर भी आपको याद करवा देते हैं। क्या आएगा पहला क्वेश्चन में, क्या ये भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, साथ ही साथ वन नहीं होना चाहिए, सब करवा रखे हैं। तो क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो पहला पार्ट, दूसरा बात एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो और साथ ही साथ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू नोट वन। सही याद है, हमको नहीं लगता बनाने की जरूरत है, क्या लगता है बनाने की जरूरत है, खैर बना देते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू से बड़ा, ये टू से बड़ा, ये नोट इक्वल टू थ्री। हाँ तो बस इन दोनों में बना लेंगे और देखेंगे, उसमें अगर तीन आ रहा तो भगा देंगे, समझ गया बात को, उसमें भगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ से क्या आ जाएगा, टू, ये हो जाएगा। तो पहला बात क्या बोल रहा कि हाफ से बड़ा, दूसरा क्या बोल रहा है दो से बड़ा, तो इसके मतलब ये आ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया टू से इन्फिनिटिव, इसमें थ्री आ गया, तो थ्री क्या करेंगे निकाल देंगे, है आंसर। देख लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही है, दूसरा मिलाते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन, हाँ अच्छा दूसरा में देखो डर तुमको कहाँ कहाँ पे लग रहा है, दूसरा क्वेश्चन में नीचे तो डर ही लग रहा है, ऊपर तुझको नहीं डर लग रहा, नीचे तो डर है ही है, ऊपर डर नहीं है, ऊपर कहाँ पे डर है, सिर्फ यहाँ पे डर है, क्योंकि टू है ऑब्वियस है, ग्रेटर देन जीरो है, वन भी नहीं है, ये तो कोई डर ही नहीं है फिर। तो पहला पर कहाँ आपको डर है, एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो, और दूसरी बात आपको कहाँ डर है कि ये जीरो ना हो, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू नोट जीरो। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस थ्री से बड़ा, समझ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू नोट जीरो, तो इसका मतलब x इक्वल टू नोट माइनस वन और माइनस टू, तो इसी के आंसर में से वो हटा देंगे। हाँ तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस थ्री से इन्फिनिटिव, इसमें दोनों बात आ गया ना, दोनों चीज, माइनस वन भी इसमें आ जाता है, माइनस टू भी आ जाता है, तो माइनस आ जाता है ना, हाँ आ जाता है, माइनस वन और माइनस टू दोनों हट गया, यही अपना आंसर हो गया, समझ गए। इसका एक आंसर और भी है, समझ गए, आप ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, हाँ और करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस थ्री से माइनस टू यूनियन माइनस टू से माइनस वन यूनियन माइनस वन से थ्री माइनस वन से इन्फिनिटिव माइनस वन से इन्फिनिटिव। देखो ना माइनस इसमें इसमें क्या है कि माइनस थ्री से लेकर इन्फिनिटिव तक ले लिए हैं पहला पोर्शन, उसमें माइनस दो और माइनस एक क्या लिए हैं, नहीं लिए हैं, बाकी सब लिया हुआ है, समझ गया बात को, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसको मिटा देते हैं कपड़ा का। ये अंडर रूट में सबसे पहले बात तो अंडर रूट को डिफाइन करना है, ये समझ में आता है आपको, तीसरा नंबर अंडर रूट को डिफाइन करने का मतलब क्या है कि लॉग वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब ये क्वेश्चन बना चुके हैं बेटा हम, इनको लॉग इनक्वालिटी में पढ़े हैं सब टाइप का क्वेश्चन, ये उड़ेगा तो अपने को पता है कि घूम जाएगा, हाँ तो मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन लेस देन इक्वल टू वन, अपने को लग रहा है देखो अब देखना ये नंबर है एक से छोटा है, कहां तक छोटा हो सकता है, माइनस इनफिनिटी तक, डर लगने लगा जीरो से बड़ा कर ले, जीरो से बड़ा कर लेना, समझ में आ रहा है, ये नंबर है ना ये कहीं एक से छोटा होने का मतलब निगेटिव कहीं ना हो जाए, हाँ तो इस डर से हम क्या किए, डर से कांपना स्टार्ट किया तो क्या किया जीरो से बड़ा लगा लिया एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन लेते हैं, तो इसको यू और यू सॉल्व करते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन आंसर लेंगे, तो मतलब यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन, इसके तरफ मुंह खुला हुआ ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन लेस देन इक्वल टू वन ग्रेटर देन जीरो होते हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा इसके, अच्छा इसका देखो ए ग्रेटर देन जीरो है, डी निगेटिव हो जा रहा है, समझ गया, तो इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा ना, जिसका बताए थे ग्रेटर देन जीरो डी निगेटिव, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये तो ऑल रियल नंबर हो गया, कोई डर ही नहीं है, सही बात है। ये लेस देन कम होने का मतलब क्या हो गया, सेवन एक्स प्लस टूवेल्व लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये जो ब्रेक हो जाएगा एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर पे, समझ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि छोटू से बड़ू, हाँ इसका किसी के साथ इंटरसेक्शन है ये नहीं, तो बात सही लिखा हुआ था, इसमें कोई डर ही नहीं है, तो अपना आंसर यही हो जाएगा, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले कोई दिक्कत है, पहले अंडर रूट में लिख रखा है तो अंडर रूट को डिफाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा वन माइनस लॉग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एलेवन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। तो आपका सबसे पहले इसको ये ले चल जाते हैं, तो क्या आ जाए आपका माइनस लॉग
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस इलेवन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना ले इसको, क्या आ जाएगा लॉग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस इलेवन लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर ली, अब ये इस तरफ चल जाएगा उड़कर। अब लगता है कि आप लोग बना लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, थ्री लेस देन आ जाएगा तो अपना आंसर ले लीजिएगा, टू से फोर आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए बात को, टू से फोर आपका बना लेगा ना, ये बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा समझिएगा आप बात को। सबसे पहले देखिए बोल रहा है इसका डोमेन निकालने के लिए, मतलब एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप आराम आराम से सॉल्व करें। आप देखो लॉग, ये इस लॉग को देखो, बाकी ये सब मत देखो, ये लॉग देखो, ये लॉग के लिए ये पूरे क्या हो गया इन नंबर के लिए हो गया नंबर, यानी कि ये वाला पूरे चीज़ क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। बात पकड़ में आ रहा क्या बोल रहे हैं आपको, आप इस लॉग को देखें तो क्या आ जाएगा कि लॉग वन बाई थ्री, फिर क्या है लॉग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, समझ गए बात को, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अच्छा अब तो सॉल्व कर लेंगे कि वन बाई थ्री इस तरह, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन करवा रखे हैं, अब इस टाइप का क्वेश्चन हम करवा रखे हैं, समझ गए बात को, ऐसे ये भी सब करवा ही तो रखे हैं यार। अब ये उड़ेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, हाँ तो क्या आ जाएगा लॉग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा, वन बाई थ्री पर पावर जीरो तो क्या आ जाएगा वन। अच्छा फिर थ्री उड़ेगा, फिर थ्री उड़ेगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री हो जाएगा, थ्री पर पावर वन, और नहीं सॉरी अबर क्यों उड़ेगा ये लेस देन इक्वल टू थ्री ही रहेगा, अरे थ्री का पावर वन ना तो अबर इनक्वालिटी का साइन क्यों चेंज होगा, तो थ्री से थ्री तो कैंसिल हो गया ना। अरे ये क्या कर दिया लॉग थ्री ग्रेटर देन जीरो, हाँ सही है आपका, क्या होगा ये लेस देन थ्री सही है ना, कोई एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन सही, ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस लेस देन जीरो, लेस देन जीरो हो गया। अच्छा हमको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेस देन इक्वल टू जीरो, वो तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना कि एक्स एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा छोटा रूट से बड़ा रूट ना, लेकिन ये आंसर गलत है। हाँ इसका एक्चुअली बनाए तो सही है बट हमको कॉपी से आप आंसर नहीं मिल पा रहा है, समझ गए, तो आपको देख लेंगे कहाँ पर गलती है इसमें कि किताब में आंसर है, क्योंकि हम तो देख लेते हैं एक बार बुक वगैरह। हाँ तब तक के लिए आज यहीं रहने देते हैं सर, तब तक के लिए जो होगा हम अगला क्लास में बता देंगे इसका कि इसका क्या आंसर वगैरह है, कि यही सही है, समझ गए, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सर।